मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाते हैं, साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी माता भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानी जाती हैं। खासकर उत्पन्ना एकादशी से ये व्रत शुरू हुआ था तो इसका विशेष महत्व है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डेफिनेट भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों की तरह उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर्ख दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता-पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है।
उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन भिन हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जगत चाल पालम चलत कंठ मालम शरश चंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नील कायम दुरावार मायम सुपद्मा सहायम भजे हम सदाम्बोधिवासम कलत पुष्पहासम जगत सन्निवासम शतादित्य भासम गदाचक्र शस्त्रम लसत पीत वस्त्रम हसच चारु वक्त्रम भजे हम रमाकंठ हारम श्रुति व्रात सारम जलांतर विहारम धरा भार हारम चिदानंद रूपम मनोज्ञ स्वरूपम धृतानेक रूपम भजे हम जरा जन्महीनम परानंद पीनम समाधान लीनम सदैवान वीनम जगत जन्म हेतुम सुरानीक केतुम त्रिलोकैक सेतुम भजे हम कृताम्नाय गानम खगाधीश यानम विमुक्तेर्निदानम अरारातिमानम स्वभक्तानुकूलम जगद्वृक्षमूलम निरस्तार्थशूलम भजे हम समस्तामरेशम द्विरेपाबकेशम जगत्विम्बलेशम हृदाकाशदेशम सदा दिव्यदेहम विमुक्ताखिलेहम सुवैकुंठगेहम
भजे हम भजे हम सुराली भलेष्टम त्रिलोकी वरिष्ठम गरुणाम गरिष्ठम स्वरूपैकनिष्ठम सदा युद्ध धीरम महावीर वीरम महाबोधितीरम भजे हम भजे हम रमावाम भागम तलानग्रनागम कृताधीनयागम गतारागरागम मुनीन्द्रे सुगीतम सुरह संपरीतम गुणोधैरतीतम भजे हम भजे हम।